दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज सामा, जहाँ पर आर्यन बुरी तरह से घायल होने वाला है इमली को बचाने में और इमली का होगा इजहार। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि आर्यन के सामने इमली को जंजीरों से बंधी हुई गाड़ी में बांध दिया जाता है और उस वैन में इमली चिल्लाते नजर आती है, लेकिन इमली के वहाँ से निकलने का एक भी रास्ता नहीं होता और पूरी गाड़ी को इस तरह से जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और आर्यन के सामने वही नज़ारा आ जाता है जो कि उसके जीजू को जलाया गया था। और यहाँ पर पहले थी पुरंदास ने ये खुलासा कर दिया था कि अरविंद का किसी और ने उसी ने जलाकर मरवाया था, जिसके बाद तो आर्यन इतना बुरी तरह से भड़कने वाला है और जंजीरों से बंधी हुई गाड़ी को ही तोड़ते नजर आएगा और जंजीरें खोलते नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि इस दौरान आर्यन को बुरी तरह से पीटा भी जाएगा, जिससे कि आर्यन का बुरा हाल तो हो जाता है लेकिन वो आर्यन को ज़रूर बचा लेता है। और यहाँ पर इतना तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर पुलिस का नाम सुनकर यानी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर गुंडे भाग निकलते हैं। लोर देखने को मिलता है कि आर्यन को यहाँ पर बुरी तरह घायल अवस्था में इमली हॉस्पिटल लेकर जाती है और पुलिस की मदद से वहाँ गुंडों से बचकर निकलती है। और आर्यन का ये हाल देखकर इमली देखने को मिलेगा इस तरह से इजहार करते नजर आएगी, वहीं पर उसको इतनी बुरी तरह से 3-4 बार चोट लगने की वजह से आर्यन को सर पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चोट आ जाती है और यहाँ पर रिपोर्ट में भी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर बहुत बड़ा खुलासा करते नजर आएगा कि आर्यन को बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ी है, जिसकी वजह से आर्यन को बहुत अब यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और अब देखने को मिलेगा किस तरह से इमली का प्यार आर्यन के लिए उमड़ता है। भाई आर्यन तो पहले से इमली से प्यार करता है, लेकिन अब इमली का प्यार भी हमें देखने को मिलेगा और किस तरह से अब इमली आर्यन के लिए रात दिन एक कर देगी तो देखने को मिलने वाला है। आर्यन और इमली का रोमांस भी इसके बाद। और यहाँ पर डॉक्टर यही कहने वाला है कि आर्यन को बिल्कुल भी स्ट्रेस की और यहाँ पर काम की बिल्कुल भी यहाँ पर रेस्ट करना है और यहाँ पर इसीलिए इमली पूरा ऑफिस भी संभालती नजर आएगी।